हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगी। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, वाई और वाई नॉट। तो हमें बताने के 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 1/3 का, क्यों और क्यों नहीं। तो बेटा हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर कोई रैशनल नंबर अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है और उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है, एग्जैक्टली 1, तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो हम इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही चेक करेंगे, 0.3 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 1/3 से, और अगर आंसर 1 आता है तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.3 इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से होगी 9 और ऊपर वाली डिजिट जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 10/3। बेटा अगर इसका डेसिमल हटेगा, हमने देखा कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो एक ही जीरो नीचे आएगा और उसके आएगा 1, उसके साथ क्या आएगा, 1। तो 10 से 10 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और हमारा आंसर आ रहा है एग्जैक्टली 1, विच मीन्स दैट 0.3 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ व्हाट, 3 1/3। वाई, बिकॉज वी आर गेटिंग एग्जैक्टली 1, दैट्स वाई। ओके सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, प्लस नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।